On behalf of MCMJB College, and I formally and respectfully welcome our chief guest, Dr. B.N. Singh, Honorable Director of UPI. Trying to optimize the things. आपसे रिश्ता बना रहेगा हमेशा के लिए. सर कॉलेज का भी बना रहेगा, हमारा भी बना रहेगा जी. डॉक्टर साहब अपने हाथ से मेरा तो यूपी से बहुत प्यार है, मैंने आपको बताया. डॉक्टर साहब मैंने इतनी सलेक्शन की, लेकिन कोशिश करता हूँ ईमानदारी से. एकाध जगह कहीं बहुत दबाव पड़ा है, लेकिन दो तीन दिन नींद नहीं आती. आप किसी के साथ इनजस्टिस करते हो, बाकी रात को आपको नींद नहीं आती. चले सर, डॉक्टर साहब नहीं, वो अच्छा आदमी सर, इकोनॉमिक्स के आदमी है और कई यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर रह चुके हैं. हमारे कमेटी में थे. On behalf of MCMJB College, and I formally and respectfully welcome our chief guest, Dr. B.N. Singh, Honorable Director of UPRT, readily accepting our invitations. We are eagerly looking forward to his addresses. And I heartily welcome to our principal, Dr. Virendra Bhatia. He has an indomitable spirit to maintain the discipline, and his personal academic achievements are the source of motivation for us. Let extend my thanks to Dr. Pradeep, who has always been with us, and his presence is always a moral boost for us. And I welcome Saini sir and Mithil sir and all my teaching staff and my non-teaching staff and my dear students. And I heavily request our honorable chief guest to start the program by lighting up the lamp. So please. To come and batch the our chief guest. बच्चे अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए, अदरवाइज ऑन साइलेंट. In the honor of our chief guest. विद्यार्थियों के लिए
लाभकारी होगा, साथ में जीवन पर्यंत आपको याद रखा। तो इन्होंने मुझे अचानक कहा कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोटिस में ये हमारे महाविद्यालय में आए, तो हम उनका तहदिल से आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी जो लाभान्वित होंगे, अगर इनका हम बायोडाटा पढ़ने लगें तो मेरे ख्याल आधा घंटा बायोडाटा पढ़ने में लग जाएगा। लेकिन इसलिए मैं शॉर्ट में जो है थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने जीएम की कितनी ऊंचाइयाँ छुई हैं। इस समय ये जो डायरेक्टर के पद पर विद्यमान हैं, इनका जो यूनिवर्सिटी का नाम ओपन यूनिवर्सिटी है, ये इलाहाबाद में ये अभी लिखा भी हुआ है, UPRT ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। इसमें 60,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आप देख लीजिए 60,000 स्टूडेंट को टैकल करना कितनी बड़ी बात है। तो डायरेक्टर के पद पर आसीन है। तो इन्होंने जो सबसे पहली बात है कि 44 रिसर्च पेपर जो है प्रकाशित किए, 44। उसके बाद आकाशवाणी में प्रसारित कार्यक्रम 65, दूरदर्शन में प्रसारित कार्यक्रम 10 हैं, राष्ट्रीय सेमिनार संगोष्ठी में प्रस्तुत शोध पत्र इनके 66 हैं, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में जितने रिसर्च पेपर हैं इनके 8 हैं, और जो गतिविधियां देखी हैं विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में मुख्य अतिथि रहे, विशिष्ट अतिथि रहे, मुख्य वक्ता एवं अध्यक्ष के रूप में प्रतिभागी रहे, और CMMT परीक्षा 2008, 2010, 2011 में नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। शुद्ध प्रवेश परीक्षा BEd 2008, 2010, 2011 में नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विषय की एवं अध्ययन सामग्री के लेखन एवं संपादन में भागीदारी रही। विभिन्न विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में चयन एवं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्राचार्य के पद पर चयन हेतु गठन जो चयन समिति में विशेषज्ञ के रूप में प्रतिभागी रहे। विश्वविद्यालय के कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सदस्य के रूप में नामांकित रहे। जरा सा आप कॉन्फ्रेंस जाते हो, सेमिनार में जाते हो, कोई सेंशन एक्टिविटी कराओ, कोई सेमिनार लगाओ, कोई सेंशन लेक्चर करवा दो, तो मैंने कहा सर आप ट्रांस आ गए, यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, तो इनको हम बुला लेते हैं, ये हमारे लिए बच्चे सफल होंगे। तो इसके साथ ही मैं इनका दोबारा स्वागत करता हूँ, विद्यार्थियों का भी हृदय स्वागत है, सभी टीचर्स का, मेरे कलीग्स का। जब हमने यहाँ पर साइंस क्लासेस स्टार्ट की, एक समय ऐसा था कि आउट ऑफ 10 पोजीशंस बैक बाय दिस डीएवी कॉलेज कांगड़ा। यूनिवर्सिटी वालों ने भी ये सोचा कि पता नहीं यहाँ पर क्या ऐसा है कि यहाँ पर 10 की 10 पोजीशंस आ गई। उन्होंने स्पेशल टीम भेजी चेक करने के लिए कि इस कॉलेज की 10 की 10, अभी कॉलेज स्टार्ट ही हुआ, पहले और दूसरे साल में इसकी ऐसी पोजीशन आनी शुरू होगी। लेकिन जब वो जैसे एग्जाम होता था, उनके ऑब्जर्वर आए, उन्होंने देखा यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक ठाक चला, और फिर अगले साल फिर वैसे की वैसी पोजीशन आई, तो फिर उनको पता चला कि यहाँ पर टीचिंग कैसे हो रही है। और यहाँ पर जो स्टाफ है, प्रिंसिपल सर थे, स्टाफ था, इतना डेडिकेटेड था। जो बिल्डिंग बनी है, मेरा ख्याल कपिल सर जानते होंगे, सैनी सर जानते होंगे, हम थोड़ा सा लेट आए थे, 87 में मैंने ज्वाइन किया था, कपिल सर पहले थे यहाँ पर। इन्होंने टीचर्स ने अपने हाथों से तसले उठा उठा कर लेंटर डाले हैं, यहाँ पर स्लैब जो डले थे टीचर्स ने अपने आप लेबर के साथ मिलकर यहाँ पर आते थे और अपने आप ही सारे का सारा लेंटर स्लैब डाल दी। कपिल सर को तो ज्यादा पता है, जैसे कपिल सर यहाँ पर ट्रक तो नहीं उसमें आते थे, जैसे घोड़े आते थे रेत के, टीचर्स ने खड़े होकर काउंट करने। और इतना मेरा ख्याल है डेडिकेटेड स्टाफ, मैंने डीएवी जलंधर में भी काम किया है, डीएवी अमृतसर में भी काम किया है, लेकिन जितनी मुझे डेडिकेशन यहां पर आकर मिली टीचर्स में, कि इनके लिए ना कोई रात का समय होता था ना कोई दिन का समय होता था। अभी पिछले मेरा ख्याल लास्ट ईयर की बात ही है, जैसे हॉस्टल में एक इंसिडेंट हुआ था, उस समय कपिल सर थे यहां पर, और इन्होंने जैसे ही सभी को फोन किया, मेरा ख्याल सारा स्टाफ उसी समय रात को 10 बजे कॉलेज के अंदर था, कि कोई नहीं अपना टाइम देखा, कोई कुछ नहीं देखा, इतनी यहां पर डेडिकेशन है।
रिगार्डिंग अचीवमेंट्स एवरी ईयर अगर हम क्लासेस को देखें, मेरिट ट्यूशन को देखें, कि चाहे साइंस की क्लासेस हैं, चाहे आर्ट्स की क्लासेस हैं, चाहे कॉमर्स की क्लासेस हैं, हर एक जैसे फर्स्ट 10 पोजीशन होती हैं, मैं हर कॉलेज की एवरी ईयर 2 or 3 पोजीशंस आउट ऑफ 10 जरूर होती हैं। है मैं कोई भी इसको ब्रेक नहीं कर सकेगा कि लगातार मैं 10 साल इंटर कॉलेज चैंपियनशिप बास्केटबॉल की इस डीएवी वाले कावड़ा ने जीती है। I request Shabnam again to come and batch Kapil sir. Pin the batch to Kapil sir. इस महाविद्यालय के उन्नयन की दिशा में अग्रसर कराने वाले प्रोफेसर एस के मित्तल साहब, इस केंद्रीय संगोष्ठी के प्राण प्रोफेसर प्रदीप कुमार, प्रदीप जी से हमारी कुछ क्षण ही वार्ता हुई थी। इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन चेन्नई में इनके एक अभिन्न अनन्य मित्र हैं सुभाष सिंह यादव जी, जिन्होंने 22 नेशनल अवार्ड प्राप्त किए हैं। मैंने उनका व्याख्यान सुना, हर शब्द में तथ्य परख। तो मैं अभी प्राचार्य से बात कर रहा था कि ऐसे विद्वानों को बुलाएं और निस्वार्थ भाव से हम लोग आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। प्रोफेसर इस महाविद्यालय के अनुभवशील मार्गदर्शन करने में जो अग्रसर हुआ है, प्रोफेसर कपिल बैद जी, सैनी साहब जो कि इस महाविद्यालय के, आप कह रहे हैं कि बिना तंत्र, बिना अर्थतंत्र का, बिना कुबेर का कोई कार्य नहीं चल सकता है, तो कुबेर आप उनकी संज्ञा दे सकते हैं। प्रोफेसर राखी, प्रोफेसर अजय जी, प्रोफेसर सीमा, प्रोफेसर नेहा, आप लोगों ने मुझे यह अवसर दिया, मैं चीर आभारी हूं। प्रदीप जी से वार्ता हुई थी, मैंने कहा भाई सब हो सकता है कि मुझे केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक्सपर्ट के रूप में बुलाया गया तो जरूर आपका महाविद्यालय का और आपका प्राचार्य का दर्शन करूंगा। तो मैंने कहा कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज सहित आज मैं चुका दूं कम से कम। तो मैं आया था, यहीं पर कुल सचिव का चयन था, उसी में मैं विषय विशेषज्ञ था, तो मैंने इनसे अपने आप याद किया, मैं तो हाजिर हो गया। तो मैं थोड़े से ज्यादा हमें जानकर, मैं जो कुछ आता होता कुछ नहीं, मैं तो सीखता हूं। देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में मुझे कुछ कहना है। भारतवर्ष में योजना का प्रारूप वास्तव में सुभाष चंद्र बोस ने पहले तैयार किया, इसके बाद में आप यदि गहराई तक जाएं तो उस काल में दुनिया में 6 विद्वान पैदा हुए थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। अंबेडकर ने पहले ही बॉम्बे योजना, दामोदर वैली योजना, तमाम योजनाएं बना लिए थे। रूस के ऊपर वहां एक गॉस प्लान था जो 7 वर्ष के लिए योजना बनाई जाती थी, उस प्रेरणा से लेकर के पंचवर्षीय योजना का प्रारूप यहां तैयार हुआ। 1951 में
अब तक 11 पंचवर्षीय योजना और 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक 12वीं योजना का ये चल रही है। हम अब एक सिस्टम में चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या रखा गया था, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 में डोमर समझे मॉडल पर आधारित थी। डोमर एक मॉडल बनाया गया था, उन्होंने प्रस्तुत किया था, उस मॉडल पर यह योजना बनाई गई। सार्वजनिक क्षेत्र में 2378 करोड़ रुपए संशोधित लक्ष्य रख सके, किंतु इस लक्षित विकास की दर 2.1% थी, जबकि 3.6% विकास दर प्राप्त 0.8% की वृद्धि हुई। और कृषि क्षेत्र में भी आशा से अधिक उत्पादन हुआ। इसके बाद कुटीर और लघु और हाइटेक इंडस्ट्री भारी उद्योग धंधों उसी आधार को मान करके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्तुत तीसरी मांग इस ढंग से तर्क प्रस्तुत करते थे, जैसे एक वकील करता है उस ढंग से प्रस्तुत करते थे। तो उस पीरियड में भारी उद्योग हाइटेक इंडस्ट्री के ऊपर बल दिया गया, हाइटेक इंडस्ट्री भारी उद्योग धंधों के ऊपर बल दिया गया, जिसमें से कि राउरकेला उड़ीसा भिलाई दुर्गापुर में है, पश्चिम इस्पात की संयंत्रों की स्थापना हुई। इस योजना में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देने जाने कारण औद्योगिक उत्पादन का निर्देशांक 1956 में 139 से बढ़कर के 1961 में 194 हो गया। खाद्यान्नों का उत्पादन जो था 1955-56 में 64.8 मिलियन टन से बढ़कर के 1960-61 में 76 मिलियन टन हो गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर बल दिया गया, कृषि पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह था कि हम यदि हाइवे इंडस्ट्री लगाएंगे तो उससे अन्य यदि आधारित संरचना तैयार कर लेंगे तो हमारा स्वयं ही विकास होता चला जाएगा। इस तरह से पहली पंचवर्षीय योजना में भी यही कहा गया कि यदि हम आधारित संरचना तैयार कर लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, तो अपने आप ही उद्योग धंधे पनपने लेंगे। जैसे कि सड़क का निर्माण करते हैं तो निश्चित रूप से आवागमन की सुविधा बढ़ जाएगी। इस तरह से सिंचाई की सुविधाएं बढ़ा देना, इरिगेशन में सिंचाई, तो निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं होंगी तो उत्पादन बढ़ेगा। जहां पर कि कृषि क्षेत्र में बारानी कृषि की जाती थी, माने सिंचाई का नाम मात्र था, जो कि आज नहरों का जाल बिछा हुआ है, वो प्रथम पंचवर्षीय योजना की देन है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हैवी इंडस्ट्री पर दिया गया और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना वास्तव में मैं इसको कहेंगे द्वितीय अंत में यह महसूस की गई कि अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता की स्थिति आएगी, लेकिन लक्ष्य इसका रखा गया, ये चार क्षेत्रीय मॉडल पर तैयार की गई थी। ये सुखमय चक्रवर्ती जो प्लानिंग मॉडल प्रभाव पर दिखाई पड़ता है, सार्वजनिक क्षेत्र में जो पब्लिक सेक्टर में कुल अनुमानित व्यय 75,000 करोड़ से 7,500 करोड़ से अधिक 8,577 करोड़ का हुआ। इस योजना में राष्ट्रीय आय 5% की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वार्षिक वृद्धि प्रथम चार वर्षों में 2.5%, 1.7%, 4.79%। तो इस तरह से वास्तविक वृद्धि दर 7.9% वार्षिक रही। द्वितीय योजना की गलती से सीख लेते हुए नियोजनकर्ताओं ने तीसरी योजना में कृषि पर विशेष बल दिया गया था। उसी समय क्या हुआ कि दो युद्ध हुए, एक चीन के साथ में 1962 में और 1965 में। स्थिति यह आ गई कि हमारी जो योजनाएं थी असफल होने लगी, क्योंकि जो हम उत्पादन करते थे वह युद्ध में झोंक दिया जाता था, पुनः उत्पादन नहीं होता था। देश के सामने तृतीय पंचवर्षीय योजना समाप्त होते होते भयंकर अकाल पड़ा। उस समय पंडित लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए थे, उस समय एक नारा दिया श्वेत हरित क्रांति का, जय जवान जय किसान। उन्होंने कहा कि मैं एक महीने में एक दिन भूखा रह करके भी हम लड़ेंगे,
यही नहीं है, स्थिति आ गई थी सी भयंकर सूखा पड़ा 480 पब्लिक लॉ के अंतर्गत अमेरिका से गेहूं मक्का ज्वार आयात किया जाता था और जनता को उसको वितरण किया जाता था। एक टाइम लोग खाना खाते थे, पेड़ों पर पत्तियां नहीं थी जानवरों को खिलाने के लिए, हालत हो गई थी। तो जो इसलिए एक वर्षीय योजना फिर बनाई गई। एक वर्षीय का तात्पर्य होता है कि हम जो भी योजना बनाए तुरंत उसका आउटपुट मिले। हम लॉन्ग पीरियड योजना यदि बनाते हैं, यदि एक बैंक बनाते हैं, बांध बनाते हैं, उसमें ज्यादा समय लगेगा। यदि हम कुआं खोदते हैं तो उसको माने कि या हैंडपंप लगाते हैं, दूसरे दिन पानी मिलना शुरू हो जाता है। यदि हम टंकी का निर्माण करेंगे 2-4 महीने भी लग सकता है। इसलिए हुआ कि अल्पकालीन योजना बनाई जाए, इसलिए एक वर्षीय योजना बनाई गई। उस पीरियड में यही नहीं हुआ कि 1962 में जब युद्ध हुआ तो आपके पास में 303 था, हथियार कुछ नहीं था, हथियार विदेश से मंगाना पड़ता था, ये नहीं गर्म कपड़े भी मंगाने पड़ते थे, आपका उत्पादन होता कहाँ था, इंडस्ट्री है कहाँ थी। कुछ उस समय तालमेल प्रधानमंत्री से बना, किसी तरह से खैर मामला शांत हुआ। 1965 के युद्ध में आप जानती हैं क्या हुआ, इसका भार हमारे अर्थव्यवस्था पर चरमरा गई। अब एकाएक देश में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। यही नहीं, लालबाबू शास्त्री ने कहा था कि एक महीने नहीं, एक हफ्ते में भी एक दिन खा करके ही हम देश की रक्षा करेंगे। तो ये हुआ कि क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका आप अन्न न दीजिए, आप हमें सपोर्ट न किए, लेकिन हमें नई टेक्नोलॉजी की नई वैरायटी की बीज दीजिए कि हम पुनः उत्पादन कर सकें। तो उस समय हरित क्रांति का आगमन हुआ और हरित क्रांति का प्रभाव आज आपको दिखाई दे रहा है। पंजाब हरियाणा उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश धान के क्षेत्र में, गेहूं के क्षेत्र में अपार उन्नत उत्पादन बढ़ा है। तो इसलिए आप तृतीय योजना एक वर्षीय योजना के विषय में, फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई 1969 से लेकर के 1974 तक। इस योजना में गरीबी को दूर करने के लिए गरीबी हटाओ आंदोलन हुआ। इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, विपक्ष ने कहा गरीबी एक जगह से हटा कर दूसरे जगह टालिएगा, गरीबी कैसे दूर की जा सकती, पॉवर्टी के ऊपर विशेष बल दिया जाने लगा। तो इसमें 1901 ताकि योजना काल में चौथी योजना में 15,900 करोड़ रुपए का प्रस्तावित व्यय था, किंतु वास्तविक व्यय 15,799 करोड़ रुपया ही हुआ। कृषि एवं सिंचाई में प्राथमिकता प्रदान की गई थी, वास्तव विकास दर 5.7% रखा गया था और यह 3.2% ही रही। प्रति व्यक्ति आय में केवल 3.2% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। इस योजना में वास्तव में 14 बैंकों का जो अच्छा था राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, बहुत बड़ी उपलब्धि थी 1969 में, सबसे बड़ी उपलब्धि रही इनके की बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। इसके बाद में आपने देखा कि 1971 में फिर वो जो बांग्लादेश के चाइना के क्या नाम पाकिस्तान, 1974 से लेकर के 1979 तक ये योजना एक्चुअली आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, किंतु अब इसमें 66 लिए गए। इस योजना में जनता पार्टी के सरकार ने समय से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया कि अपनी योजना का लक्ष्य पूरा कर लिया है। उसी में यह आया कि अंत्योदय योजना, एक अनवरत योजना, रोलिंग प्लान जिसका आप लोग रोलिंग प्लान अनवरत योजना जो चलती रहेगी, तो इसके ऊपर इस योजना में सार्वजनिक व्यय में 37,250 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय था, वास्तविक व्यय 39,426 करोड़ रुपए हुआ। 1975 में ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया गया था, जब इमरजेंसी लागू हुई इंदिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया है, तो 20 सूत्रीय पूरे देश में लागू हुआ। और इसी समय यह लागू हुआ कि समन्वित ग्रामीण विकास योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित विकास ग्रामीण योजना क्या है। वास्तव में उस क्षेत्र की जनता को, उस क्षेत्र के जनसंख्या को हम कैसे अनुकूलतम या वहाँ के मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन का दोनों समन्वय रूप से कैसे हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं,
वहाँ के प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ की ह्यूमन कैपिटल मानवीय पूंजी को हम कैसे था कि 1978-79 में गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार इस योजना की विशेषता थी। हालांकि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने माना कि गरीबी को अचानक दूर नहीं किया जा सकता, इसका निवारण एक क्रमिक प्रक्रिया है। इस योजना का कृषि उत्पादन में अधिक तेजी से वृद्धि करने पर बल दिया गया। आप ही जानते हैं जो लैंड रिफॉर्म हुआ है, भूमि सुधार हुआ है, प्रथा रैयतवारी प्रथा महलवारी प्रथा। वास्तव में बारीकी से अनुभव करें तो कई क्षेत्रों में तो भूमि सुधार हुआ ही नहीं है। कुछ राजाओं की मैं जानता हूं कि वो अपने कुत्ते का बच्चा क्या हुआ उसके नाम से भी जमीन है, लेखपाल की हिम्मत नहीं है कि खिसरा खतौनी में उनका नाम काट दे। तो कुछ भूमि सुधार के बाद में प्राप्त की जमीन भूमिहीनों में आवंटित की। योजना 1978-83 में लागू की गई। ये 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 2080 तक की अवधि को ये योजना का माना गया है। एक वर्ष की जबकि उन्होंने कहा कि ये योजना देगी 50% राज्य सरकार देगी। फिर इसमें ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन के संबंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, ट्राइसम, डवाकरा फिर इस योजना में लागू की गए थे। ये योजना 15 वर्ष की अवधि के लिए लागू की गई थी, बनाई गई थी और गरीबी निवारण के आर्थिक विकास आधुनिकरण और आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय योजना के समूह उद्देश्य आधुनिकरण की इस योजना में शुरुआत की गई। 7वीं पंचवर्षीय प्रस्तावित किया गया व्यय और वास्तविक व्यय हुआ 2,18,700 करोड़ रुपये व्यय हुआ। 5% विकास दर की अपेक्षा 5.8% वास्तविक हुई। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई 3.6%। इस योजना में सबसे अधिक महत्व ऊर्जा को दिया गया था। कुल परिव्यय 30.5% रहा। सामाजिक सेवाओं पर परिव्यय का स्थान अधिक रहा, 16.3% रहा। आर्थिक विकास सामाजिक न्याय दृष्टि नियोजन करना रोटी रोजगार और उत्पादकता को महत्व दिया गया और भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के सब जो है कार्यक्रम अपनाए गए जिससे आर्थिक समृद्धि तथा जीवन की गुणवत्ता के सुधार के बीच संबंध माना गया। ऐसी नीतियां एवं कार्यक्रम में क्रियान्वयन पर बल दिया गया जो गरीबों के पक्ष में हो और विषमताओं को दूर करने में सहायक हो। क्षेत्रफल में बढ़कर 25% करना तथा सभी दूषित नदियों को सफाई के लिए कार्य करना। इस पर परिव्यय 15,92,000 करोड़ रुपए का निश्चित की गई थी, किंतु इस योजना में वास्तविक व्यय 16,53,065 करोड़ रुपए हुआ। इस दौरान मुद्रा स्फीति दर 5.1% थी जो इस योजना का वास्तविक आकार कम हो गया। 10वीं योजना में 2 आधारभूत तत्व थे। एक जो था अभी तक उपलब्धियों को अक्षुण्ण बनाए रखने हुए विकास करना, अभी तक के विभिन्न क्षेत्रों में विकास में आई बाधाओं को दूर करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस बात को माना गया कि उच्च आर्थिक समृद्धि दर में गरीबी कम होती है पर भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में व्याप्त कठोरताएं इस संबंध में प्रभाव को कम करती हैं, इसलिए विकास की रणनीति बनाते समय यह ध्यान रखना होगा कि ऐसी कार्य योजना अपनाएं जो कि समता तथा सामाजिक न्याय को स्थापित कर सके। इसके लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में त्रिमुखी कार्यनीति अपनाई गई। 2012-13 से 2017 तक इसमें कुल व्यय है मैंने 76,69,807 करोड़ रुपए। सार्वजनिक क्षेत्र में 34.7% पब्लिक सेक्टर में और योजना में 8% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लक्ष्य है। 4% कृषि क्षेत्र में है, 10% विनिर्माण क्षेत्र में है, 10% निर्धनता में कमी लाने के लिए है और 10% ही सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए रखा गया है। 5 करोड़ इसमें रोजगार सृजन करने के लिए रखा गया है। 90% परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए लक्ष्य रखा गया है 12वीं पंचवर्षीय योजना में। थोड़ी सी और चलाई यह योजना एक दृष्टिकोण से पहले योजनाओं से थोड़ा भिन्न है।
इसमें गांव के किसी एक क्षेत्र के विकास की बात न करके उसके संपूर्ण क्षेत्र के विकास की बात की गई है। और यदि कोई क्षेत्र भारत निर्माण योजना से छूट भी जाता है तो उसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम में रख दिया गया है, जिससे गांवों का संपूर्ण विकास या समग्र विकास हो सके। इसमें गांवों को सहायता दे करके आगे बढ़ाने के बजाय उनके लिए ऐसी बुनियाद, केरला में कोची एक कॉमन ग्रंथ है, वहां के किसानों ने कहा कि इसको समाप्त कीजिए, कृषि क्षेत्र में श्रमिक नहीं मिलना है, क्योंकि जो आदमी वहां जा करके झुए पर माटी फेंक देता 10 खांचे उसका दिन भर की मजदूरी मिल जाती है। क्या आप मजदूर को लगाएंगे तो 10 खांची 10 टोकरी से क्या उसको दिन भर की मजदूरी दे देंगे? ये भी देखा गया है वास्तव में कि घर में महिलाएं हैं, घर में बड़े काश्तकार हैं, मनरेगा में काम पर लगे कभी काम पर जाती हैं। तो मनरेगा असफल दिखाई हुआ कुछ राजस्थान और पूर्वी भारत में, वहां पर सफल दिखाई दे रही है, कुछ छत्तीसगढ़ में भी सफल दिखाई दे रही है, बाकी असफल दिखाई दे रही है। यदि हमारी तमाम शुभ मनोकामनाएं आप छात्रों एवं सभी के साथ। First, our principal, Dr. Virendra Bhatia, to come and say a few words. Sir of National Eminence, Dr. Singh, Director, Uttar Pradesh, Rajrishi, Tandon Open University. मेरे ख्याल मैंने ठीक बताया ना, यही नाम है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर का यही एक ही चीज है। Sir, the staff of the DAV college, students of the DAV college, and we all are very much grateful to you for your presence in our college. हमने extension lectures की शुरुआत की है और अभी तक हमने जितने भी extension lectures सुने हैं, मैं देखता हूँ कि knowledge से enriched जो है ना, आपने जो knowledge दी है हमारे बच्चों को, it will be इनके लिए एक बहुत valuable साबित होगी। I have also been a student of economics, business economics का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने डॉक्टर साहब की बात को, हर बात को बड़े ध्यान से सुना है। बच्चों, एक तो इन्होंने आपको बताया कि हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, आज़ादी के बाद हमारे सामने एक चैलेंज था कि देश को तरक्की के रास्ते पर किस तरीके से हमने लेकर जाना है। तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रशिया को देखा, वहाँ पर कैसे तरक्की हो रही है, डॉक्टर साहब ने बताया 7 साल की उनकी कोई प्लानिंग थी। देखो, जो प्लानिंग होती है ना, उसका बहुत अपने आप में महत्व होता है। आप अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में भी यदि बगैर प्लानिंग के कोई काम करते हो तो आपका बहुत नुकसान हो जाता है। आपने मकान का फर्क देखा है, एक आर्किटेक्ट प्लानिंग करके आपको मकान का नक्शा बना के देता है, फिर बनाते हो, और बगैर प्लानिंग के जो बिल्डिंग बनती है उसमें क्या फर्क होता है? सो प्लानिंग इज ऑलवेज यूजफुल, कहते हैं प्लान योर वर्क देन वर्क योर प्लान। काम के बारे में योजना बनाओ और फिर योजना के ऊपर। इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र एक बड़ा पॉपुलर विषय बन गया है, खासतौर पर 1991 के बाद जब हमारे देश के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया, तभी बातें शुरू हुई, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण जिसको बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। इनके अपने फायदे भी हैं, इनके अपने नुकसान भी हैं। डॉक्टर साहब मेरे पास बैठे हुए थे तो हम एक बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि पुराने टाइम पे हमारे एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, राजीव गांधी ने, कि सरकार 1 रुपया ऊपर से बेचती है, नीचे 30 पैसे तक पहुंच पाते हैं। तो इन्होंने बताया कि अभी तो पता नहीं 5 पैसे पहुंचते हैं या 10 पैसे पहुंचते हैं। तो इसके ऊपर ये भी बहस का मुद्दा है कि क्यों इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। एक शब्द, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, इसका मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ हो नहीं रही। आम आदमी को विकास के जो फायदे से जो है ना, वो परे रखा जा रहा है। ये सारी सोचने वाली विषय है। डिजिटल लाल बहादुर शास्त्री जी के शहर से त्रिवेणी का संगम है, पता है आप लोगों को, गंगा जलेशन की जय जवान जय किसान की, व्हाइट रेवोल्यूशन भी आई, मिल्क दूध वगैरह की। अब कंट्री ने पिछले 10 सालों में कौन सी क्रांति देखी है? डिजिटल रेवोल्यूशन। इस छोटे से आजार ने, ये छोटा सा है, इसने जिंदगी को कितना आसान कर दिया। मैं अमेरिका ऑस्ट्रेलिया मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके पास इनका पहुंच गया कि ये लेक्चर दे रहे विद इन द ब्लिंक ऑफ ए सेकेंड। जिंदगी का एक हिस्सा बनाओ और उसको पॉजिटिव फायदे के लिए यूज करो। ये नहीं है व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर ही लगे रहो, लेकिन इनका प्रोडक्टिव यूज भी हो सकता है आपके लिए।
दूसरा फायदा भी सोचो, हर चीज का फायदा है, हर चीज का नुकसान है। जो डायनामाइट है वो आपके पहाड़ों में रास्ते भी पैदा कर सकती है लेकिन पुल भी उड़ा सकती है। ये आपको चूज करना है कैसे करना है। जैसे कौआ है उसने गंद ही खाना है, हंस है उसने दूध निकालना है, दूसरी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना। आप लोग इतने समझदार, आपको किसी ने नहीं सिखाना है, ठीक है कि नहीं। कमल का फूल बनो चीकड़ किचन, ये आपको अपने तरीके से ये सोचना है। मैं थोड़ी सी बात करूंगा क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमी का प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा होगा, कि आपका रोल क्या है। प्रेजेंट आप इकोनॉमी की हालत खराब कर देती है, जैसे सर्दी निमोनिया कर देती है। पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल की खपत के ऊपर हमारा सारा पैसा निकल जाता है, क्यों डॉक्टर साहब? दूसरे नंबर पे कुछ और ना हो, सोने की चूड़ियां तो हमें चाहिए, सोना हमारे पास नहीं भी है तो बाहर से मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि एक अडंबर के ऊपर भी हम लोग इंडियंस बहुत खर्चा करते हैं। मेरा शहर तो बहुत अडंबर वाला है, अमृतसर वाला, मैं देखता हूँ ऐसे। इन चीजों से आप निकलो छोटे, ये नहीं कि 10 रुपए के टमाटर भी लेने हैं तो आपने 70 रुपए का पेट्रोल खर्च करके जाना। छोटी छोटी एक्टिविटीज में आप यदि अपना जीवन शैली में सुधार ले आएंगे तो आप तरक्की कर जाएंगे। आप इंटरनल इकोनॉमीज को जनरेट करो। कई बार ऐसे होता है कि आपके लिए पैसा कमाना संभव नहीं है। हम कॉलेज को ही देख लें कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ग्रांट्स नहीं है, बड़ी मुश्किल से हम लोग सारा काम चला रहे हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने काम काज में इंटरनल एफिशिएंसी बढ़ाएं, इंटरनल इकोनॉमी जनरेट कर लें। जहां 10 रुपए खर्च करके काम होता है, हम मित्तल साहब मेरे पास बैठते हैं, हम बैठ के दिमाग लगाते रहते हैं कैसे जी घर के अंदर से ही हो जाए तो अच्छी बात है। दिस इज हाउ पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न्ड। समझ गए ना मेरी बात? चाइनीज प्रोवर्ब है, पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न्ड। तो वो समझे कि आप थोड़ा सा, बड़ी लंबी बातें हैं, बहुत सारी की जा सकती हैं। एक्सटेंशन लेक्चर्स की जो सीरीज है ये एक माला के रूप में चलेगी इस कॉलेज में। धीरे धीरे हमारे छोटे छोटे कदम है, मजबूत है, हम भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग से लगे हुए हैं। आपने बड़ी पेशेंस से सबकी बातें सुनी, मेरी बात भी सुनी। मैं कई बार समझता हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में जब लोग बात कर रहे होते हैं तो विस्परिंग शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब की आपने बात बड़े ध्यान से सुनी, ही विल बी हेल्पफुल टू यू। इन्होंने मुझे बताया कि आप नेशनल लेवल पे किसी भी स्कॉलर को आप कहेंगे मेरा सर्कल बड़ा स्ट्रांग है, मैं उनको बुलाऊंगा, आएंगे, आपकी बैकबोन बनेगी। डॉक्टर साहब आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम। ये सारे हम लोग सब इकट्ठे होकर काम करते हैं। मैं आपको बताऊँ हमारी मेरी सोच बहुत डेमोक्रेटिक है। जैपनीज मैनेजमेंट आपने पढ़ा है कि किस तरीके से काम करते हैं, हम ऑटोक्रेटिक तरीके से चलते ही नहीं है बिल्कुल, बिकॉज आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ न्यू जनरेशन। तो इस कारण हमारा काम करने का तरीका भी जरा थोड़ा लीक से हटके रहता है। वी विश दैट नेक्स्ट टाइम यू बी विजिटिंग हिमाचल एंड यू विल बी डेफिनेटली विजिटिंग दिस MCM DAV कॉलेज कांगड़ा। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब ने 1000 से शुभ नाम।